हेलो एवरीवन सो वी आर डिस्कसिंग द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27 सो हियर द द क्वेश्चन इज ड्रॉ डायग्राम्स शोइंग फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन आइटम्स इन सी एंड सी टू मॉलिक्यूल्स क्या करना है बेटा आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और बताना है फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड देखो यहाँ पर जो पहला मॉलिक्यूल हमें गिवन है बेटा वो है सी टू एच फोर सी टू एच फोर क्या नाम इथीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा देखो दो कार्बन आटम्स हैं और चार हैं हाइड्रोजन एक कार्बन आटम चार बॉन्ड्स बनाता है तो यहां पर अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो यह है एक कार्बन आटम यह दूसरा कार्बन आटम चार हाइड्रोजन है टोटल तो दो हाइड्रोजन हमने दे दिए एक कार्बन को और दो हाइड्रोजन एक कार्बन को मतलब दो हाइड्रोजन ने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया दो दो हाइड्रोजन ने मिलके दो दो बॉन्ड्स बना लिए और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में भी बन गया एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के अभी तीन ही बॉन्ड्स बने हैं बेटा कार्बन को चार बॉन्ड्स बनाने हैं तो इसीलिए यहां पर एक ये बनाता है पाई बॉन्ड इसी को हमने डबल बॉन्ड बोला है अब देखो बेटा ये जो डबल बॉन्ड बनता है इसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाए बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाए बॉन्ड क्या होते हैं ये हमें अच्छे से पता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से ये बॉन्ड बनते हैं तो आपको यहां पर बस डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और बताना है फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन सी टू एच फोर देखो यहां पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा तो ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है चेक करो इसने बनाए हैं तीन सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर तो कोई है नहीं कार्बन के ऊपर तो ये एसपी टू हाइब्रेडाइज और ये जो दूसरा कार्बन है इसने भी बनाए हैं तीन सिग्मा बॉन्ड तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी होगी बेटा एस टू तो अगर हम यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बने होंगे बेटा कार्बन के पास है तीन एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करेंगे विद द एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आइटम टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स तो पहले हम सिग्मा बॉन्ड्स ड्रॉ करके देख लेंगे एक बार ये है बेटा कार्बन इसके हमें बनाने हैं तीन एसपी टू हाइब्रिड ऑबिटल्स तीन एसपी टू हाइब्रिड ऑबिटल्स का मतलब ज्योमेट्री होनी चाहिए प्लेनर तो एक ये यह यहां पर एक बनाया हमने यहां और एक बनाया हमने यहां ठीक है ये इस कार्बन के तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे ही यहां पर दूसरा कार्बन होगा बेटा इस कार्बन के भी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे एक आया है यहां पर एक हमने बनाया ये यह यहां और एक बनाया यहां पर जो ओवरलैप करेगा इस वाले कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ और यहां पर बन जाएगा सिग्मा बॉन ठीक है ओके यहां पर लिख देंगे बेटा ये बना सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उसके अलावा यहां पर अभी जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे हैं वो क्या करेंगे बेटा एक कार्बन पर जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल के साथ तो यहां पर जो एस ऑर्बिटल है वो कैसा होता है एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल तो ये यह यहां पर आपने बनाया एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग ये भी हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग और यहां पर भी तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड तो सारे बन गए बेटा ये क्या बने हैं सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स ठीक है चेक करो यहां पर ये वाला सिग्मा दिस सिग्मा दिस दिस एंड दिस, दिस इतने सिग्मा बॉन्ड्स हमने सारे यहां पर बना दिए हैं अब आपको शो करना है बेटा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड यहां पर आप मेंशन भी कर देंगे कि ये जो हमने ब्लू कलर से बनाए हैं ये सब क्या है हाइड्रोजन ठीक है ये तो थे बेटा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें बहुत अच्छे से पता है कि तीन पी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास कौन कौन से बेटा पीएक्स पीवाई एंड पीजेड ये तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो यहाँ पर दो पी ऑर्बिटल्स तो कहां चले जाएंगे बेटा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए तो यहां पर बचेगा कौन सा या तो px या तो py है ना अगर px और pz जाएंगे तो py ऑर्बिटल बचेगा और अगर py एंड pz जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में तो px बचेगा तो ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होगा

इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के वनएस ऑर्बिटल के साथ तो आपको यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स मिल जाएंगे फिर B वाले में क्या दिखाया बेटा कि ये सिग्मा बॉन्ड्स तो बन गए हैं सारे के सारे ये कार्बन ये दो हाइड्रोजन ये कार्बन और ये दो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका अब इस पे बचा है अनहाइब्रिड हाइब्रिड पी ऑबिटल वो हमने लिया टू ये जो ऑर्बिटल्स है ये क्या करेंगे बेटा साइडवाइज ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म द पाई बॉन्ड ठीक अब ये जो पाई बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई हुई है बेटा पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है अब द प्लेन एंड बिलो द प्लेन तो जो यहां पर डायग्राम सी है उसमें क्या किया है बेटा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो किया गया है अब द प्लेन एंड बिलो द प्लेन और बीच में यहां पर यह है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लियर उसके बाद डी पार्ट में चेक करो बेटा यहाँ पर जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो है सारे सेम प्लेन में एंड जो पाए बॉन्ड है वो है उस प्लेन के पोपेंडिकुलर यह हमें यहाँ पर शो हो रहा है अच्छे से और उसके बाद उसी को हमने दिखाया है द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे दिखाया बेटा ई वाले में चेक करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है अब एंड बिलो द प्लेन बिकॉज ऑफ द पाए बॉन्ड्स एंड जो सिग्मा बॉन्ड है वो सारे सेम प्लेन में है ठीक है क्या है बात हमें समझ आई बेटा यहां पर हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उसमें कोशिश ये की जाती है कि एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में ही डिस्कस किया जाए तो यहां पर हमने खुद से ड्रॉ करके देख लिया है एक बारी समझा दिया गया है उसके बाद आप रेफरेंस के लिए चेक करेंगे एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स ये हमने अभी एक ही मॉलिक्यूल डिस्कस किया है दैट इज सी टू एच फोर सी टू एच टू मॉलिक्यूल अभी भी रहता है तो अब हम यहां पर चेक करेंगे बेटा सी टू एच टू मॉलिक्यूल सी टू एच टू यहां पर देखो बेटा दो कार्बन आइटम्स हैं आपके पास और दो ही हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया एक कार्बन ने और दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया दूसरे कार्बन ने अब ये जो कार्बन है एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है यहां पर तो एक ही बॉन्ड बना है तो तीन बॉन्ड्स बनेंगे बिटवीन टू कार्बन आइटम्स ये जो तीन बॉन्ड्स बने हैं बेटा इसमें एक होगा सिग्मा बॉन्ड और दो होंगे पाई बॉन्ड्स ऐसा क्यों क्योंकि एक्जियली जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के म्यूचुअली पोपेंडिकुलर होते हैं तो यहां पर अगर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाए बेटा सिग्मा बॉन्ड बना है पी जेड ऑर्बिटल को यूज करके तो जो पीएक्स एक्स एंड पी वाई ये दोनों म्यूचुअली पोपेंडिकुलर होंगे पी जेड के और साइडवाइज ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म द पाई बॉन्ड्स अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं दो सिग्मा बॉन्ड्स एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp एंड दूसरे वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी है बेटा sp मतलब एक ही ऑर्बिटल गया है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए ठीक है बेटा तो यहां पर अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बताना है तो बहुत सिंपल है ये लिए आपने एक कार्बन इस कार्बन पे ये लिए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल दो एस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे यहां पर ये दूसरा कार्बन कार्बन के साथ और एक होगा यहाँ पर जो फ्रोजन के साथ, के के साथ ये यहाँ पर हुआ बेटा एक सिग्मा बॉन्ड का ठीक है अब यहां पर दो बॉन्ड्स भी बने होंगे वो दो बॉन्ड्स कैसे बनेंगे बेटा आप चाहें तो अलग से ड्रॉ कर सकते हैं अदरवाइज यहां पर भी बता सकते हैं ठीक है अलग से ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो हमारा डायग्राम है वो बहुत ज्यादा मैसी मैसी ना हो और आपको अच्छे से समझ आ जाए चलो अब यहां पर ये यह जो सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं बेटा उनको मैं शो कर देती हूं सिंपल लाइन से क्योंकि वो तो सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं ये कार्बन इस कार्बन के पास इस तरफ ये हाइड्रोजन था और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन था और यहां पर इनके बीच में बना एक सिग्मा बॉन्ड तो यहां पर ये यह जो पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल्स है बेटा ये होंगे म्यूचुअली पोपेंडिकुलर तो पहले हम यहां पर ड्रॉ करेंगे बेटा पी एक्स ऑर्बिटल तो अगर एक ऑर्बिटल है ऐसे ये है अनहाइब्रिड पी एक्स ऑर्बिटल इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया ये क्या करेंगे बेटा ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ और एक पाई बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो जाएगा ठीक है ये है आपके पास पीएक्स ओके okay. अभी यहां पर पीवाई भी प्रेजेंट होगा पीवाई क्या होगा बेटा पीवाई इसके भी पोपेंडिकुलर होगा तो उसको हम शो करेंगे ग्रीन कलर से और उसको थोड़ा सा हम इस तरफ से शो करेंगे बेटा ये है पी वाई ऑबिटल ठीक है इसको मैंने ऐसे हाफ हाफ क्यू बनाया क्योंकि इसके पीछे की तरफ है यहां पर ऐसे और ये ऐसे ये ऑब्वियसली थ्री डी डाय टू डी में बना रहे हैं तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो ये जो ग्रीन वाला ऑर्बिटल है ये ग्रीन 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 वाला वाला ऑर्बिटल ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा वाले के साथ क्योंकि जो ऑर्बिटल है ये हमने बनाया पी वाई ऑर्बिटल तो यहां पर दो पाई बॉन्ड्स बने कौन कौन से बेटा एक पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग से और एक पीवाई पीवाई की साइडवाइज ओवरलैपिंग से क्लियर तो ये यहां पर बन गए पाई बॉन्ड्स बात समझ आ गई इस चीज को आपकी बुक में कैसे शो किया गया है बेटा देखो यहां पर डायग्राम्स के थ्रू देख लेंगे दिस इज पहले इन्होंने शो किए सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे कार्बन का एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल और ओवरलैपिंग हो रही है किसके साथ हाइड्रोजन के वनएस ऑर्बिटल के साथ दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने एंड एक यहां पर कार्बन का एसपी एंड दूसरे कार्बन का एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन आइटम फिर क्या किया यहां पर हमने शो किया बेटा पाई बॉन्ड ये टू पी एक्स टू पी एक्स ओवरलैप किया तो एक पाई बॉन्ड बना एंड फिर टू पी वाई टू पी वाई ओवरलैप किया तो दूसरा पाई बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे शो करेंगे बेटा देखो बीच में जो ब्लू कलर से दिखाई हुई है ये है सिग्मा बॉन्ड एंड यहां पर कितने पाई बॉन्ड्स बने हैं बेटा दो पाई बॉन्ड्स एक पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है अबव अब द प्लेन एंड बिलो द प्लेन तो दो से दो अबव अब द प्लेन होंगे और दो बिलो द प्लेन तो यहां पर डायग्राम सी में शो किया गया है बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ बॉन्ड अब द प्लेन एंड बिलो द प्लेन क्लियर तो ये है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पायबोंडस इन इथाइन सी को हम क्या कहते हैं बेटा सी टू एच टू इज इथाइन मॉलिक्यूल क्या ये बात हमें समझ आई तो यहाँ पर सिंपल था बेटा ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको डायग्राम्स बनाने आने चाहिए तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे सी टू एच टू के लिए एंड सी टू एच फोर के लिए आप ये वाला डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय